जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब और फडणवीस साहब का जो नेतृत्व है और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वो भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये तो शायद लगता है कुछ जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, 80-20 का खेल हो गया है यहाँ पर, तो इसमें तो एक नया समीकरण बन गया है। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे ही अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय कुछ वातावरण ऐसे बन रहे हैं। ये पॉलिटिक्स राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए शुभ और मंगल है। सबसे पहले जानना चाहेंगे चंद्रयान की, सब दुनिया भर बात चल रही है, इंडिया ने काफी एक अच्छा सक्सेस में पाया है, चंद्रयान चंद्र पे उतरा है, क्या प्रतिक्रिया है? दक्षिण ध्रुव जहां आज तक दुनिया नहीं पहुंची थी, वहां हम पहुंचे और विक्रम का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा और प्रज्ञान पूरी दुनिया को भारत की मेधा प्रतिभा से अवगत करा रहा है और ये भारत की विश्व विजय की उड़ान है। अभी तो सूर्यान से लेकर के और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य पूरी दुनिया को देने हैं। यह भारत का अभ्युदय का काल है, अमृत काल है और अपने सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान प्रज्ञान को साथ में लेकर के भारत जिस तरह से नए प्रतिमान गढ़ रहा है और भारत की सत्ता की भी नीयत, नेतृत्व और नीतियां, एक तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूसरी तरफ वैज्ञानिक इच्छा शक्ति, इन दोनों के समन्वय से जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और भारत का चाहे वो बौद्धिक सामर्थ्य है या आर्थिक सामर्थ्य है, वह पूरी दुनिया में नित नए प्रतिमान घड़ रहा है और यह आने वाला समय भारत का है। 2047 से पहले ही भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा और इसमें जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब और फडणवीस साहब का जो नेतृत्व है और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वो भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। ये इस देश का सौभाग्य है। आप महाराष्ट्र में हो सर, सरकार और फडणवीस सरकार का नाम लिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 4 साल में जो बदलाव हुए है, इससे पहले कभी भी देश में ऐसी राजनीति नहीं की गई थी। अभी जो अपोजिशन एक बोलता है कि बीजेपी ऐसी राजनीति कर रहा है, कैसे देखते महाराष्ट्र की? अब देखो, महाराष्ट्र में जब अजीत पवार साहब, शरद पवार साहब, आप देख रहे हैं जिस तरह से शिंदे जी और बीजेपी, अब ये तो शायद लगता है कुछ जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, 80-20 का खेल हो गया है यहाँ पर, तो इसमें तो एक नया समीकरण बन गया है। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे ही अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय कुछ वातावरण ऐसे बन रहे हैं। देखो, प्रांतीय जो चुनाव हैं उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वहाँ अभी काफ़ी कुछ वाहपोह की स्थिति है, लेकिन 2024 में तो मोदी जी का कोई मुकाबला दिखता है नहीं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ रही है, डीजल हो, किस तरह देखते हैं आप इस सभी को महंगाई की तरफ, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ऐसे देखो देश में चुनौतियां भी हैं और देश में संभावनाएं भी हैं और चुनौतियों और संभावनाओं के बीच में देश आगे बढ़ रहा है, ये भी सच है। तो चुनौतियों को हमें निस्तारण करना है और जो भारत की संभावना और सामर्थ्य है उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया का कोई भी देश ऐसे आगे बढ़ता है। महंगाई के बारे में बोला, अच्छा मैं तो आज एक हमारे ललित फोफले जो हमारे पतंजलि के फाइनेंस को हेड करते हैं, उनके सहस्र चंडी यज्ञ में आया हुआ था। मुझे यहाँ ये आपकी बड़ी बड़ी तोपें देख करके मुझे लगा कि इनके सामना किए बिना गया तो लोग कहेंगे बाबा भाग गया। नहीं, एक आखिरी सवाल है, इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए भाई, आज मेरा कोई एजेंडा नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक आखिरी एक आखिरी सवाल है बाबा जी, एक आखिरी सवाल है कि आपने अजीत पवार और शरद पवार का जिक्र किया, तो ये दोनों का जो पॉलिटिक्स है
इस ये जो हुआ इसके तरफ कैसे देखते हो? ये पॉलिटिक्स राष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के लिए शुभ और मंगल है। धन्यवाद सर, 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 एक लास्ट, सर, 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 सर,